ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन का हड़ताल का असर मिला जुला रहा, जहां एक ओर पीएनबी, सीबीआई, बीओबी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ओरिएंटल बैंक बंद नजर आए, वहीं दूसरी तरफ यूनियन बैंक, एसबीआई अपने ग्राहकों को सेवा देता नजर आए। प्राइवेट बैंक को जबरन बंद करवाया गया। बैंक यूनियन के नेता अवधेश प्रसाद ने कहा, केंद्र सरकार के श्रम विरोधी नीति के खिलाफ देश के 25 करोड़ मजदूरों के साथ बैंक कर्मचारी संगठन आज देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। हमारी मांग है 11वां वेतन समझौता तुरंत लागू करो, बैंक कर्मी के रिक्त पदों को भरो, बैंकों के विलय पर रोक लगाओ। वहीं यूनियन बैंक कर्मी संजीव कुमार ने कहा, हम सबों को नहीं मालूम है कि हड़ताल किस उद्देश्य की गई है, मांग क्या है कोई जानकारी नहीं है। कहाँ आए थे आप? आए थे यहीं पे पैसे निकालने। कौन बैंक में? पंजाब नेशनल। पैसा निकला? नहीं निकला। कहाँ है? बंद है बैंक। कहाँ से आए थे? आए थे त्रिवेणीगंज से। क्या नाम हुआ? सोनू मेहता। कहाँ आए थे आप? पंजाब नेशनल। कहाँ आए थे? पैसा निकालने के लिए। क्या हुआ? बैंक बंद। क्या नाम है? घर मखन पट्टी बैंक बंद। कत आये रही? कौन बैंक? पंजाब नेशनल। की भेल? बैंक बंद छे। की नाम ये? इंदिरा देवी। घर? केला बोल। केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ देश के 25 करोड़ मजदूरों के साथ बैंक कर्मचारी संगठन AIBOA, BEFI, INBEF और INBOC 8 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल में शामिल हुए। मांग हमारी मांगे हैं 11वां वेतन समझौता तुरंत करो, बैंक कर्मी के रिक्त पदों को शीघ्र भर्ती करो, बैंकों की डूबी ऋण राशि कठोरता से वसूल करो, बैंकों के विलय रोक लगाओ, मजदूर के राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मेलन के मांग पत्र के समर्थन में। अवधेश प्रसाद। क्या है आप? BGS। Oh,
ये आज आपका जो है राजपत्रित बैंक स्टेट का जो है सो बंद है, उसमें यूनियन बैंक खुली हुई है, अब क्या आप लोग इसके समर्थक नहीं है? नहीं, समर्थक की बात नहीं और ना अथी की विरोध की बात है। यहाँ है कि जो हमको जानकारी इस बात की नहीं है कि जो आखिर स्ट्राइक क्या चीज़ है, ऐसा कोई ना मैसेज हमको आया है, ना कोई मेल, ना कोई ऐसा कुछ चीज़ की जानकारी हमको है ही नहीं, आखिर हमारी मांग क्या है। तो आपका जैसे पहले चलता था कार्य उसी तरह आज ऑफिस का कार्य चल रही है? हाँ, उसी तरह चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार। क्या है आप? यहाँ यूनियन बैंक में आया।